नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं आपके सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं बैंगलोर में कल हुई हिंसक भड़क की। आपको बता दें कि बैंगलोर के अंदर कांग्रेस विधायक जिनका नाम अखंड श्रीनिवास मूर्ति है, उनके एक रिलेटिव के द्वारा फेसबुक के ऊपर एक ऐसा पोस्ट डाला गया जिसके ऊपर बैंगलोर की जनता भड़कती हुई दिखाई दी है। आपको बता दें कि बैंगलोर की जनता ने वहां पर रात्रि में 7 बजे से लेकर के 2 बजे तक हिंसक प्रदर्शन किया है और इस प्रदर्शन की भेंट पुलिस वाले चढ़ते हुए साफ साफ नजर आए हैं। आपको बता दें कि इस हिंसक झड़प के अंदर पुलिस वालों की गाड़ियां तक चला दी गई और पुलिस वालों को CRPF और CISF के जवानों को बुलाना पड़ा, साथ ही आंसू गैस के गोलों को भी यूज में लेना पड़ा। साथ ही आपको बता दें कि इस हिंसक झड़प के अंदर 60 पुलिस कर्मी लगभग घायल होते हुए भी नजर आए हैं। आइए एक नजर डालते हैं इस पूरे वीडियो की और इस पूरे घटनाक्रम की ओर कि क्या हुआ था इस पूरी हिंसक झड़प के अंदर। आपको बता दें कि बैंगलोर के अंदर कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के रिश्तेदार द्वारा की एक कथित विवादित फेसबुक पोस्ट के बाद भड़के इंसान ने भीड़ में पुलिस को निशाना बनाने के लिए गुरिल्ला टेक्निक का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि बैंगलोर में हिंसा का जो दौर चला वह कई पुराने पुलिसकर्मियों ने बहुत दिनों बाद देखा होगा, तो वहीं नए रिक्रूट्स के लिए यह एक अनुभव की तरह रहा होगा। हिंसा की रात बैंगलोर की सड़कों पर जो हुआ उसकी कभी आशंका नहीं जाहिर की थी। बैंगलोर की संकरी गलियों में हिंसक भीड़ ने गुरिल्ला टेक्निक का इस्तेमाल किया है। कवल बिरा सांद्रा केजी हल्ली और डीजे हल्ली इलाके में फैली हिंसा का यह रूप शायद ही कभी किसी ने देखा होगा। यह घटनाक्रम पुलकेशी नगर के विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर के सामने शाम 7 बजे शुरू हुआ और लगभग रात 2 बजे तक चला। 10 बजे के बाद हालत बिगड़ते हुए नजर आए हैं क्योंकि केजी हल्ली और डीजे हल्ली पुलिस थाने पर भीड़ ने ताला लगा दिया और पुलिस वालों को आग लगा दी गई। दो स्टेशनों पर सहकर्मियों की सहायता के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे री इन्फोर्समेंट को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। मदद के लिए आ रही फोर्स को भी बोतले और पत्थरों का सामना करना पड़ा, पत्थर मारकर तोड़ी लाइट और फेंके पत्थर भी। आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने कहा है कि 75 पुलिस अधिकारियों के साथ मुझे केजी हल्ली की छोटी गलियों से चलना था। जब हम चल रहे थे तब स्ट्रीट लाइट्स पर पत्थर फेंके गए, पूरे इलाके में अंधेरा छा गया। अगले ही पल बर्तन, पत्थर, बोतले, टायर, लकड़ी के टुकड़े और ईंटें हम पर बरसने लगे। हमारे कर्मियों को ढाल टूट गई और मेरे लोग घायल हो गए। तब हमने हवा में फायरिंग का आदेश दे दिया। इस खबर पर बस इतना ही। ज्यादा देखने के लिए हमारे न्यूज 19 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें।